सिहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपका ये फैसला कुन फतवा हमें पढ़ने को मिला। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो खानदान नबूवत में से हैं, जिनका बहुत बड़ा मर्तबा व मकाम है, आपका ये फरमान अल इबाना के अंदर सनद के साथ मौजूद है। आप ये इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का खुलासा बयान करते हुए, ये जिल्द नंबर 1 है अल इबाना की, सफा नंबर 94 है। सुन्नी गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। क्या मर्तबा है सुन्नी होने का, पूछ लो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से। आप इरशाद फरमाते हैं, ये 214 नंबर असर है अल इबाना के अंदर, सफा नंबर 94 है। लफ्ज क्या है, अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा قال ان نظر في المصحف عباده مصحف قران کو کھول کے دیکھنا یہ عبادت ہے اور ساتھ ہی کیا عبادت ہے والنظر الى الرجل من اهل السنه الذي يدعو الى السنه وينها عن البدع عباده والنظر الى رجل من اهل السنه सुन्नी को देखना, किसको देखना, आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद करके बताओ किसको देखना, कैमरे से दिखाओ दुनिया वालों को कि ये है सुन्नियत, कि रात के पिछले पैर में भी सुन्नी कैसे जाग रहा है, किसको देखना। वन नजरु इला रजुल मिन अहले सुन्ना, देखना एक बंदे को राफजी नहीं, खारजी नहीं, नासबी नहीं, तफजीली नहीं, कोई बदअकीदा नहीं। वन नजरो इला रजुल मिन अहले सुन्ना, आगे उसकी सिफत है और खबर क्या है, इबादतुन, खास किस्म के सुन्नी को देखना भी इबादत है। ये देखो स्टेज को, स्टेज पे बैठी हस्तियों को, ये फ्रंट लाइन पे ही नहीं पिछली लाइनों को भी देखो, अरे ये मजमे में फ्रंट पर और मजमे के अंदर कितनी हस्तियां हैं जिनमें ये वस्फ सुन्नी होने के साथ साथ अगला मौजूद है। क्या फरमाया, वो सुन्नी जो लोगों को सुन्नत की दावत देता है, सुन्नत की दावत, छोटी दावत नहीं, फैजान सुन्नत वालों सुन्नत की दावत। वो बंदा जो सुन्नत की दावत देता है, वह यन्हा अनिल बिदा, और बिदत से रोकता है। वन नजरु इला रजुल मिन अहले सुन्ना यदु इला सुन्ना व यन्हा अनिल बिदा इबादत, कि वो सुन्नी जो बिदत से रोकता है, सुन्नत की दावत देता है, उसके चेहरे को देखना भी इबादत है। तो हम तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके आने वालों को थकाना नहीं चाहते, बल्कि आने वालों की आंखों को भी तोहफा देना चाहते हैं और ये दुनिया को बताना चाहते हैं। कहीं मजलिस होती है, स्टेज वाले मजमे वाले सब के सब अबू अंधेरा बैठे होते हैं, चिराग बुझे हैं, नूर बुझा है, ऊपर से नहीं अंदर से भी काले हैं, और कहीं वो बख्तों वाले हैं कि देखने वाले भी जन्नत पाते हैं, जिन्हें देखा जा रहा है वो भी जन्नत पाते हैं।
ये सुन के जरा तैयारी करो, आगे फिर जिम्मेदारी भी सुननी की आएगी। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं सुन्नी होना, इतना बड़ा मर्तबा। और इसके अंदर आज से यहद कर लो, एक है कि फुलां बिन फुलां है, फुलां गद्दी पे बैठा हुआ पीर है, फुलां बड़ी हस्ती का साहबजादा है। और ये याद रखें, ये खानदानी शर्फ भी बड़ा शर्फ है। आबाओ अजदाद की अजमत से यकीनन औलादों में अजमत आती है, लेकिन जब औलादों में बद एतकादी आ जाए तो फिर अजमत रूठ जाती है। हम अदब वाले हैं, लेकिन हम अदब के साथ ही शरीयत की हिफाजत वाले हैं। अगर कोई सज्जादा नशीन या उसका बेटा, कोई मोहतमिम या उसका बेटा, कोई आलिम या उसका बेटा आले सुन्नत से बगावत कर चुका है, उसे देखने से नहुसत होगी। एक हाफिज, एक कारी, एक आलिम, एक इमाम, एक खतीब, अगरचे किसी किसान का बेटा है, किसी लोहार का है, कुम्हार का है, कोई बहुत बड़ा बजाहिर अजमतों वाला घराना नहीं, मगर दीन पे डटा हुआ है। वो मस्जिद का खतीब, वो मोहल्ले का इमाम, जिसमें मसले की गैरत है, जिसमें फिक्र रिजा है, जिसमें फिक्र मुजद्दद अल-फैसानी है, ये बड़ी अजीम हस्ती है। तेरे पीर का बेटा तो नहीं, मगर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये जो डट के सुन्नत की तबलीग कर रहा है, अहले सुन्नत की तबलीग कर रहा है, पीछे अगरचे कोई बहुत लंबा चौड़ा खानदानी सिलसिला बुजुर्गों वाला ना भी हो, जब खुद ये कार बंद हो चुका है, तो इब्न अब्बास फरमाते हैं, जो ऐसा शख्स है उसको देखोगे रब तुम्हें इबादत का मर्तबा अता फरमा देगा।